छोटी, लंबी, मोटी, पतली, सीधी या कर्ली, हम सब के पास बाल हैं और ये सब जब हमारे सर पर उग रहा होता है तो हम में से कुछ इसे बेहतर तरीके से करते हैं, तो इसलिए हमने कुछ ऐसे हेयर हैक्स इकट्ठे किए हैं जो आपकी जिंदगी को आसान बना देंगे। लेकिन ध्यान रहे, इनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनमें परफेक्ट होने से पहले प्रैक्टिस की जरूरत है। कभी कभी आप बस अपना दिन बिता रहे होते हैं अपने आप से मतलब रखकर, फिर एकदम से एक परेशानी आपके सामने आ जाती है और आपको तमाचा मारती है। ये इससे दर्द ही होना था। ओहो, लाना मुझे यहाँ खड़ा क्यों नहीं देख पाई? हाँ, मुझे लगता है चलना और साथ में बात करना अच्छा आइडिया नहीं। ओह, ये तो बहुत बड़ा निशान आया है ना? लेकिन क्या हुआ अगर मैं इसे कवर करने के लिए हेडबैंड इस्तेमाल करूं? पहले अपने बालों को इस तरह निकालें ताकि ये पीछे ना बंधे हो। अपने बालों का हिस्सा इस तरह निकालें और इसकी एक छोटी पोनी टेल बना लें। जब आप ये कर लें तो टाई के बिल्कुल नीचे एक छोटी ओपनिंग बनाकर बालों को इसमें से निकाल लें। ध्यान से इसे अपने माथे से निकालें ताकि ये फैशन वाली ब्लंट बैंग्स दिखे। इन्हें थोड़ा सा फैला लें ताकि ये बिल्कुल असली की तरह दिखे। हेडबैंड को वापस पहनना ना भूलें ताकि हेयर टाई कवर हो जाए। जल्दी क्लास में चली जाओ, तुम आज नहीं जीत पाए बेवकूफ ब्लॉगर। ये शनिवार की सुबह है और मैं ये अपना नया $20 का बिल इस्तेमाल करूंगी। लेकिन इससे पहले कि तुम इसे अपनी जेब में रखो, याद है जब वो बदतमीज चोर ने तुम्हारे पैसे चुराए थे? लेकिन अगर तुम अपना पर्स नहीं उठा रही तो तुम पैसे कहाँ रखोगी? ओह, मुझे पता है क्या करना है और इसका जवाब तो मेरे सर में पड़ा था। रुक जाओ दोस्तों, मैं अभी आती हूँ। अगर आप अपनी स्क्रंची को अपना बढ़िया कैश कंसीलर में बदलना चाहते हैं तो इस तरह की सिलने वाली कैंची लें सीम को निकालने के लिए। जब आप ये कर लें तो कपड़े को खोलें ताकि आप इसमें छेद बना सके। अब आपके पास आपकी गुप्त जेब है। देखो, अब खुद चिपकने वाला वेलक्रो लें और इसे स्क्रंची पर लगा दें ताकि आप इस छेद को जरूरत के हिसाब से खोल सके। छोटे से पीस को इस तरह से लगाएं, इसे कपड़े से ढकें ताकि ये ना दिखे। आखिर में आपको जो भी पैसे छिपाने हैं उसे एक पतली स्ट्रिप में फोल्ड कर ली। अब इसके अंदर इसे घुसा दें और कस कर बंद कर दें। तो भारी भरकम बैग या वॉलेट की जगह बस अपनी स्क्रंची पहन ली और आप जाने के लिए तैयार हैं। ओह हाँ, क्या डिमांड आ रहा है। सोफिया के लिए अच्छा है, उसके हाथ में कैश है चेंज के लिए। अब जल्दी से उन पैसों को हटा ले इससे पहले कि कोई देख ले। अच्छे से फिट हुआ, उसे अपने बालों पर दोबारा लगाना ना भूलें क्योंकि आपको किसी को दिखाना नहीं है। ये हेयरडू तो लाखों में एक है या फिर जितने भी पैसे तुम्हारे उसमें है। क्या आप भी लाना की तरह इतने लंबे लंबे बाल चाहते हैं? सोफिया, तुम मेरे बालों पर बैठी हो। हे भगवान, लंबे बाल होना दिखने में तो बहुत अच्छा है लेकिन ये बहुत ही छोटी छोटी चीजों में आ जाते हैं, जैसे कि तुम्हारी बैकपैक में। ठीक है, मैं इसे और नहीं सह सकती। मुझे लगता है अब ये समय है मेरे बालों से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाने का। लाना, नहीं! मैं मान नहीं पा रही, तुम अपने इतने सुंदर बालों को काटने वाली थी। मुझे पता है तुम चाहती हो लेकिन मैं तुम्हें इतने सुंदर बाल नहीं काटने दूंगी। हे, क्या ये तुम्हारे यहाँ बो है? क्या मैं इसे एक सेकंड के लिए ले लूं? अगर आपके लंबे बाल आजकल आपको इतना परेशान कर रहे हैं तो एक गेम चेंजिंग हैक देखें। सबसे पहले रैप को अपनी गर्दन में डालें और पीछे से बालों को उठाकर रैप कर दें। अब इसे एक नॉट में बांधें और आराम से नीचे ले आएं ताकि आपके बालों की लंबाई के ये बस 3 क्वार्टर हो। जब ये टाइट हो जाए तो बालों को ऊपर उठाएं ताकि आपके बालों की पूंछ ऊपर के बालों के साथ बन जाए। अब बो को अपने सिर के ऊपर बांधें एक बो में। अब आपको पता है आपको एक नया छोटा हेयर कट मिलेगा बिना अपने बालों को बिल्कुल भी काटे। लाना बहुत अच्छी दिख रही है ना? लाना, मैं मान नहीं पा रही, तुम्हारे नए बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। कौन सैलून में जाके इतने ज्यादा खर्चे करे जब आप एक स्कार्फ से इतनी बढ़िया लुक बना सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि आपके बाल प्यारे से कर्ल्स में कैसे लगेंगे? ओह, मेरे बाल ऐसे कैसे दिख सकते हैं? ठीक है, आज से बेहतर इसे ट्राई करने के लिए कोई समय नहीं। मैं बस ये फ्लैट आयरन लूंगी और इसे इस तरह से घुमाऊंगी। ये काम नहीं किया। ओह, यस, मैं तुम्हें ये शीशा दिखाऊंगी अगर तुम बुरा ना मानो। हे, क्या मैं तुम्हारी आई पेंसिल ले सकती हूँ बस 1 मिनट के लिए? कर्ली बाल, मैं यहाँ आई। बालों के एक स्ट्रैंड को एक पतली पेंसिल में लपेटें। अब अपने हाथों से ये फ्लैट आयरन को पेंसिल के ऊपर मारें।
वाह, देखो एक असली कल और बहुत ही जल्दी आप ऐसे अपना पूरा सर कर सकते हैं। ओहो, तुम इस तरह के बालों में बहुत अच्छी लगती हो सोफिया। ओह, और ये रही तुम्हारी पेंसिल वापस लाना। वाह सोफिया, तुम्हारी बाल तो बिल्कुल तस्वीर की तरह लग रही है। और समय ना बर्बाद करते हुए ये सेल्फी टाइम है। क्या कभी आप अपना स्नैक खा रहे हैं और आपकी आँख एकदम से ये ब्यूटी पर पड़ती है। ओहो, कितने लाजवाब कलर्स देखो, ये बहुत अच्छे हैं। तुमने अपने बाल ऐसे कहाँ से कराए लाना, मुझे जानना है। जब तुम्हारे पास ब्लू आई शेडो है तो सेलों की क्या जरूरत, बस आई शेडो ले और अपने बालों पर इसे सीधा लगा ली। वाह, मैं मान नहीं सकती है इतना आसान था। तुम्हारा स्टाइल बहुत बढ़िया है दोस्त, मैं क्या कह सकती हूँ, मैं बढ़िया ही हूँ। ये हेयरडोज अच्छे दिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये बिना ट्रायल और एरर्स के हैं। हमारी ब्लू पर जरूर देखें। क्या आप भी ऐसे डूज कर सकते हैं? अपने दोस्तों पर ये टेस्ट करने के लिए उन्हें ये शेयर करें और हमेशा की तरह हमारे चैनल 123 गो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई मजेदार वीडियो मिस ना कर जाएं। चलो अगली बार मिलते हैं।